हाँ तो दोस्तों, आपने अक्सर इस सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट देखे होंगे। वेल दोस्तों, मैंने इस सॉफ्टवेयर को चला रखा है अपना 1 GB पर देखने के लिए कि आखिर मेरी जो SSD की स्पीड है वो कौन सी है, और SSD का जो नाम है और लिंक है आपको नीचे मिल जाएगी अमेजन पर चेकआउट करने के लिए। तो दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करिए और सीधे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाओगे, जैसे कि हमारा पेज ही रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो तरह के सॉफ्टवेयर मिलेंगे, वर्जन मिलेंगे सॉफ्टवेयर के। पहला आपका स्टैंडर्ड एडिशन और दूसरा सिजुकू वर्जन है। दोस्तों, जो ये वाला एडिशन है ये हमारा 4 MB का है, जो स्टैंडर्ड एडिशन है, और जो नीचे वाला एडिशन है वो हमारा 72 MB का है। दोस्तों, आपको जो ये जो स्टैंडर्ड एडिशन है इसके अंदर 6 थीम्स मिलेंगी, और जो आपका इसलिए 4 MB का सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आपको 27 थीम्स मिल रही हैं शियोगु वर्जन के अंदर, तो ये 72 MB का है। अब दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको जिप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जिप जो फाइल है वो बाद में भी आपकी सेव रहेगी, लेकिन जिप आप अगर डाउनलोड करो फाइल, तो दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपके आपके पास जो अनइंस्ट्रक्शन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो होना चाहिए। अगर आपका ये जिप फाइल ओपन ना हो, अगर आप इसी ऐसी फाइल को ओपन नहीं कर सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों वो ये रही फाइल, ये फाइल आपकी कुछ ऐसे आएगी, जिप वर्जन में आएगी फाइल, कुछ इस तरह की दिखेगी। अगर दोस्तों आपकी ये फाइल डाउनलोड आप जब भी करना जब आप इसे ओपन कर सको अपने कंप्यूटर में, क्योंकि आपको राइट क्लिक करके इस पर एक्सट्रैक्ट टू एक्सट्रैक्ट हियर एक्टर फाइल्स करना पड़ेगा। अगर आपकी ये तीन ऑप्शन नहीं आते तो आप इस फाइल को खोल नहीं पाओगे। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आप सीधा इसमें जो स्टैंडर्ड जो वर्जन होता है वो ही डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। उससे क्या है, ये सीधा का सीधा जो इंस्टॉलर, जैसे आपकी फाइल्स होती हैं, जैसे गेम को आप इंस्टॉल करते हो डायरेक्टली, ऐसे आपकी ये इंस्टॉल हो जाएगी दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो, अब ये फाइल है 4.2 MB की है, क्योंकि ये कंप्रेस नहीं है। अब आप सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपको कुछ इस तरह की फाइल मिलेगी। तो इस तरीके से आप दोस्तों इस चीज़ से बच सकते हो अगर आपके पास, क्योंकि इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, उसकी अलग प्रोसेस है। और दोस्तों, अगर हम अब चेक करें तो दोस्तों ये हमारा सॉफ्टवेयर, अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होने के लिए रेडी है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं आखिर जो हमारी SSD है आखिर उसकी स्पीड कितनी है, बेंचमार्क कितनी है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो मैंने लगा रखी है वो PCIe SSD है Gen 3 की, उसका नाम है XPG 8200 Pro। तो दोस्तों, ये जो कपल्ड है ये i7 8750H प्रोसेसर के साथ कपल्ड है, जो 8th जनरेशन का हमारा प्रोसेसर था। और इस कंप्यूटर के अंदर जो रैम है वो DDR4 2666 MHz पर क्लॉक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसकी जो रीड स्पीड है वो 2 GB तक जा रही है लगभग। और दोस्तों, इसकी जो रैंडम स्पीड है वो 53 MB/s। और दोस्तों, इसकी आखिरी स्पीड इतनी है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने गूगल क्रोम खोला और उसके बाद आप मतलब जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं वो आप चलाना चाहते हो तो बहुत ईजी है, आपके चल जाएंगे। जैसे मैंने ग्रुप ग्रुप पे क्लिक करा और मैंने बंद करूंगा तो ये तुरंत बंद हो जाते हैं। और उसके अलावा आप दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप चलाना चाहते हो तो ये ईजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इतनी जल्दी खोल देता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो बात करते करते। और ये साथ में इसी बेंच मार्किंग कर रहा है, और आप तीनों सॉफ्टवेयर अगर एक साथ खोलना चाहते हो तो भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर जो है वो एक एक करके बहुत ही ईजिली खुलते रहेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम बेंच मार्किंग की बात करें तो ये बेंच मार्क्स हैं दोस्तों। आप अपने कंप्यूटर पर जाइए और चेकआउट करिए कि आखिर आपके सॉफ्टवेयर के बेंच मार्क्स क्या कहते हैं। दोस्तों, इसकी जो लीडर राइट स्पीड है लगभग वो 1.5 GB और 2 GB के आसपास है। और दोस्तों, फिर बाद में हमें बचता है ये जो हमारी 4K जो रैंडम है दोस्तों, यही मायने रखती है मोस्टली सबसे ज्यादा। दोस्तों, इसकी जो ये रैंडम राइट स्पीड है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस पर जो प्रोग्राम्स ओपन हो गए, फाइल्स को बार बार देखना या फिर बहुत सारे जो फोटोज होते हैं उन्हें एक साथ खेलना, उसका काम बहुत आसान हो जाता है। वेल दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर पर जाइए, चेकआउट करिए इस चीज़ को, आखिर एक ऐसी गलती है। और दोस्तों, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, थैंक यू।